जो हमारे आज के गेस्ट हैं, पोइट, सिंगर, एक्टर, ये सब बनना चाहते हैं। हमने इनको इसलिए बुला लिया कि पता कर लें कि भाई कैसे बनना चाहते हैं। आपकी भरपूर तालियों में टीपू शाह। बाबू कैसा है? कैसे? बैठिए बैठिए टीपू भाई, जल्दी जल्दी काम करें। यस सर। कैसे हैं टीपू भाई? बिल्कुल फिट। बहुत हैंडसम लग रहे। थैंक यू भाई। ऐसा लग रहा है अपने ही वली में से आ रहे। मतलब ये एक्टर ही क्यों बने? आप पेंटर बन जाते, आप मैकेनिक बन जाते। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, पहले शौक था पाकिस्तानी की तरह क्रिकेटर बनने का, वो ना मैं बन सका। ऑलराउंडर बनने का होता। हाँ, फिर मैंने सोचा कि यार सीएसएस करते हैं, आर्मी में गया, वहां से भी भाग आए। आर्मी में गए? आर्मी में गया। सिलेक्शन हो गया आपका? तकरीबन हो गया था, लेकिन हम भाग आए। मैं समझे कि हमें भगोड़ों में शुमार करें। भाग गया। 81 पीएम में लॉन्ग कोर्स था वो। उसके बाद मैंने कहा यार आईसीएस भी देने गए थे। मेडिकल हुआ सर? आप झुका खोला खासा? जी सर। हम आईसीएस भी देने गए टीकू भाई, वहां पर एक डॉक्टर बैठे होते हैं अंदर, उसके बाहर एक बड़ा सा हॉल होता है जिसमें ना ब्रायलर मुर्गियों की तरह लड़के भरे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और सब छोटी चड्डी पहन के वहां पे मौजूद होते हैं। जी सर। खुदक रहे होते हैं, अबे क्या होगा, अबे क्या होगा, और दो दो करके ना ब्रायलर मुर्गियां अंदर डॉक्टर साहब बुलाते हैं। अच्छा, हमारे साथ एडवांटेज ये था कि मेरा बड़ा भाई मेजर आमिर वो थे आर्मी में, आम लड़कों की नस्बत मैं ज्यादा जो था ना वो सुकून में। क्या आप इसलिए आदमी से तो नहीं भागा कि आपको मशहूर होना था और यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल। मैं जिंदगी में हमेशा कामयाबी को या खुशी को यही तसव्वुर करता हूँ, टू लिव द वे यू वांट। जब मैं अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं जी रहा, मुझे लगता था कि आर्मी में मैं अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं जी सकता, मेरे अंदर बड़े सवालात हैं, खोज है, जो मैं मुझसे यस सर बड़ा मुश्किल होता है। यस सर कहना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था मेरे लिए। बोलते यार जाओ भाई, चलो जाओ जंग लड़ो। यस सर। नो सर। आज मूड नहीं। मुझे शायरी आ रही सर अभी दिमाग में, मैं जंग लड़ लूं जाके। नहीं, वो वो बहुत बड़ा काम है यस सर करना तो, लेकिन वो मुझ में वो काबिलियत वो सलाहियत नहीं थी कि मैं यस सर। डर गया ये जवाब दे। जी तो लाखों कैरेक्टर किए होंगे, 100 तो किए होंगे। जी 100 थ्री फिगर्स में आप आए हो। हाँ जी। तो अजय थ्री फिगर्स में जो आप आए हैं, इसमें से सबसे टॉप 5 कैरेक्टर्स। मुझे लगता है कि आप जैसे, मुझे कोई कहता है बड़े अच्छे एक्टर, मैं कहता हूँ मैं नहीं, मैं एक ईमानदार एक्टर हूँ। और ईमानदार एक्टर क्या होता है? मैं अपने काम को जो कहता नहीं है कि आओ जरा स्क्रिप्ट देख लें। नहीं, ईमानदार एक्टर वो होता है जो अपना स्क्रिप्ट घर पढ़कर आता है, खुद ही पढ़ गया। तो मैं मेहनत बहुत करता हूँ अपने काम पे। मैंने कभी कोई ऐसा एक्टर नहीं देखा जिससे मैंने ये पूछा हो कि आप मशहूरत के लिए आए, उसने कहा हाँ, उसने यही सब, मैं तो बहुत हार्ड वर्क करता हूँ। नहीं, मैं शोहरत के लिए तो यकीनन पहचाने जाने का शौक था, लेकिन मैं उस वक्त जिस जमाने में, मैं कराची में 96 में आया था, तो मेरी कहानी थोड़ी सी मुख्तलिफ है आम एक्टर्स की। मैं आई नेवर वांटेड टू बी एन एक्टर। आप मार्स से आए थे? मार्स जिसे ही समझ ले, मुख्तलिफ। मैं लैलपुर से आया था, जिसको फैसलाबाद से। तो मैं बहुत लड़ाइयां करता था फैसलाबाद में। फैसलाबाद बहुत लड़ाइयां, जुगतों में या हाथापाई? हाथापाई भी करता था, जुगतों तो कम मारता था, लेकिन बहुत जितने भी सारे यार थे वो हर वक्त की लड़ाई। तो मेरी वालदा बड़ी बेजार थी, क्योंकि घर में आना जाने लोगों को लगातार शिकायतें बड़ी आती थी। तो वालदा, मेरे बड़े भाई मेजर आमिर, वो कराची में थे। बार बार मेजर आमिर का जिक्र करके मेरे को बैक फुट पे ला रहे हो। नहीं, मेरे बड़े भाई मेजर आमिर, मेरे बड़े भाई मेजर आमिर। अरे तो उन्होंने कहा मुझे, आ जा भाई बिजनेस करते हैं। मैंने कहा चलो फिर। मेजर आमिर ने कहा बिजनेस करते हैं? क्या एस्टेट प्रॉपर्टी का काम करना होगा उन्हें? बहुत आला। तो मैं आया, साल तो हम बैठ के घर पे खाते रहे। फिर एक फाइन डे भाई ने कहा मेरी तो पोस्टिंग हो रही, तो मैंने कहा बिजनेस का क्या सीन है? कहता कुछ नहीं, बिजनेस हो रहा, मिल जाएगा प्लाट। नहीं, उसको तो मिल जाना था और मिल भी गया। हमारा क्या होगा भाई, हमने कहा हमारा क्या होगा। उसने कहा जो भी अब करना है तू कर ले भाई, देख ले। मैंने कहा अच्छा। मैंने अखबार ढूंढा, मैंने वो जॉब्स की जहाँ पे आई होती, मैंने लिखे बताया, एक जगह सिटी बैंक में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की जॉब निकली हुई थी। हम पहुंच गए, हमने इंटरव्यू दिया 2 मिनट का। मैंने जो इंटरव्यू करने वाला था, मैंने कहा सर देखिए मुझे रख लें, मैं 1 महीना कम से कम सिटी बैंक करता रहूंगा, अगर मैं आने अच्छा किया, जॉब अच्छी हुई, तो मुझे जॉब दे दीजिएगा, वरना आप निकाल दीजिएगा। उसने कहा कब ज्वाइन कर सकते हैं? मैंने कहा अभी। कहते टेबल का है मेरी? नहीं, कहते अभी नहीं, क्या कहते हम जो ये इस तरह के कपड़े टाई शाई ये वो लेना होता है, तो आप परसों आ जाओ। मैंने कहा ठीक है। हमने सिटी बैंक ज्वाइन किया, उसमें उसी दौरान हमें निकट चौधरी से मुलाकात हुई। निकट चौधरी जो हमारी क्लासिकल कथक डांसर है। जी जी। तो आपने कहा मेरे घर पे आओ, तो वहां पे मैं गया, तो वहां पे असफर अर्जुमंद रहीम, मुजफ्फर अली जो इंडस्ट्री के ऑनर थे, इमरान शेरवानी, राशिद समी, सब डांस कर रहे थे। नहीं, डांस नहीं कर रहे थे, बैठे हुए थे। बैठे हुए थे तो डांस कर रहा था वो, तो
तो मैंने कहा किसी को गा रहा था, मैंने कहा जी बहुत ही बेसुरा गाया तू, तो वहां पे गुजफर साहब बैठे थे तो तू गा दे। अब एकदम मैं शंट हो गया। सही है। मैंने कहा मैं वैसे तो गाना फिर अब गाता नहीं गा। मैंने कहा कहते नहीं गा। अब मैंने निकेत साहब की तरफ देखा, मैं इधर देखा कोई सहारा के जो मुझे कवर कर ले। उन्होंने कहा टीपू तू तो बहुत अच्छा गाता गा ना। उन्होंने भी आगे लगा दिया। मैंने आंखें बंद की, वो काफी पढ़ना शुरू की, और जब मैंने आंखें खोली तो मैंने इधर देखा, मैंने कहा मैंने बहुत ही बुरा गाया। सब चुप, कोई 5-10 सेकंड की खामोशी थी, फिर सबने कहा वेरी गुड यार तू तो अच्छा गाता है। वो उधर साहब कहते हैं पर वो जो तू शो कर रहा है बूम बूम मास्टिक अली सलमान के साथ, इसको उसके साथ टीम अप कर ये ठीपे को, और फिर जो तुम प्ले कर रही हो थिएटर वाला, इसके लिए बड़ा अच्छा लड़का। लो जी हम अदाकार, ये है हमारा अदाकार। अच्छा टीपू भाई, मतलब मैं ये देख रहा हूँ एक्टर्स की रिक्रूटमेंट का तरीका देख रहा हूँ कि निजी महफिलों में जा रहे एक्टर नाचने के लिए, नाच देखने। हर एक बंदे की कहानी डिफरेंट है। सुन तो ले, गाना आपने गाया, उन्होंने कहा यार तू एक्टर अच्छा बन सकता है, ये तो आपकी गाने की बेइज्जती हो गई। मेरा बात तो वैसे सोचने वाले के बहाने बनते हैं। आप जाते किसी और गर्ज के लिए और अल्लाह ताला ने आपको चुना था। मुझे लगता है असर भाई के घर गोश्त लेने गया था यार। हाँ होगा, तू यार बहुत अच्छा सवाल पूछता है। मैंने गोश्त का सवाल किया, भाई आपके पास कोई कुर्बानी हुई है? तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा सवाल पूछ, होस्ट बन जाओ। किस किस से मिले? हम भी होते हैं ना जब इंडिया जाते हैं, यार किस किस से मिले? वो यार मेरी पहले दिन ही बड़ी जलालत हो। लो चलो भाई, चलो भाई, चलो यार, चलो चलो यार। भाई जान मेरी आज है कि मैं अपने काम को बड़ा एंजॉय करता हूँ। किसको? काम को। काम को लग रहा है। तो हम गए, रिहर्सल हुई पूजा भट्ट के साथ, ऑडिशन हुआ, उसके बाद उन्होंने अगले दिन रिहर्सल है। मैंने रिहर्सल की तो सब जो सेट पे थे उन्होंने तालियां मार दी, और मैंने भी ना ये डांस करना चौड़े में आ गए आप नहीं डांस करना शुरू कर दिया। वो करना शुरू कर दिया उनकी ना दाद और रिटेंशन लेने के लिए। तो पूजा भट्ट आई बहुत सीरियसली, टीपू जी अगर आप सीरियस हो जाए ना तो कैन गारंटी यू आप पाकिस्तान तो क्या इंडिया के भी सबसे बड़े विलन बन सकते हैं। अब मुझे ऐसे लगा किसी ने सारे बाजार मुझे कर दिया। वाह वाह, मजा को खोलो और खास। हाँ अब आप हम समझ गए कि झुकना कहाँ से सीखा हमने। मैं चुप हो गया, मैंने कहा अब तू मेरी हंसियां मेरी बात देख देख पूजा। वो मेरे लिए अच्छा हो गया, मैं किरदार में भाईजान। फिर मैंने कहा अब तो बेटा टीपे इतनी मेहनत कर दे, पूजा फट कर दिया। नहीं मैंने कहा बात नहीं करनी, मैं बात नहीं करनी, मैंने कहा बात ही नहीं मैंने करनी। जुड़ रहे आप सर ऐसे ही नहीं, मैं होते नहीं थे सेट पे। उन्होंने कहा अपनी वैनिटी में चले गए जी। टीपू जी कितने? वो मेरे टीपू जी भी नहीं कहते थे, मेरे कैरेक्टर से बुलाते थे। खान साहब कितने? मैम वो अपनी वैनिटी में बैठे हैं। सर मैं बुला लें जी, करेंगे सीन? हाँ करेंगे, चले। फिर एक दिन एक आया, अरे ए टीपू जी आप किधर रहते हो? मैंने कहा मैं नीचे होता हूँ। हैं बट आर यू सेइंग? मैंने कहा क्या मतलब? मैं ठीक हूँ पूजा जी, वो कमरा बहुत अच्छा है। नहीं नहीं, यू नीड टू सपोज टू लिव इन सूट, यू आर द मेन विलन। ए प्रदीप जी व्हाट आर यू डूइंग? दिस इज माय मेन विलन, बट व्हाई यू नॉट, व्हाई इज नॉट हियर? आर यू सेविंग मनी? कम ऑन मेरे साथ रहो। नहीं स्वीट में। अरे वाह, और अकेले स्वीट? मैंने देखा, मैं तो कमरा खुला सिटिंग रूम है, उसके बाद खुला लाइब्रेरी है, उसके बाद खुला ये आपका छोटा सा जिम है, उसके बाद ख्वाबगाह देखी जैसी हमने फिल्मों में देखी थी, देवीगढ़ का उदयपुर में महल, 5-7 स्टार होटल। और मैं तो रो पड़ा, मैं बेबे को फोन किया, मैं कहा बेबे इतनी इज्जत बर्दाश्त नहीं होती, मैं वापस आ रहा हूँ। मैं खुदा की कसम असूदन के ही बनता था, लेकिन मैंने कहा बंदा इस तरह के ये फर्क है, रिस्पेक्ट मिली आप। मुझे लगा मैंने वहां पे जितने भी काम किया आई फेल्ट लाइक ए प्रिंस। मुझे लगता था मैं किसी, अच्छा मैं किसी सल्तनत का शहजादा या बादशाह। ये आपके लिए एक्सेप्शन थी या आप सबके लिए? जितने भी वो लोग थे जो भी वहां पे काम कर रहे, पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ जनरली यही होता है, जैसे होता सब जो एक्टर्स उनके जो मेन है क्या कहते हैं, जैसे हमने तो जो लो बजट फिल्में की हैं, जैसे बीसी उनको कह सकते हैं, क्या कहते हैं कैटेगराइज करना तो बुरी बात है, लेकिन उनके कम बजट वाली मैंने फिल्में की हैं। अब ये क्या करेगा, आपने यश राज या इन लोगों के साथ फिल्में की होती तो वो अकेला नहीं होता कमरे में आप, अगर उनके साथ फिल्म कर रहे होते। अच्छा टीपू भाई, ये नाक आपको अपनी पसंद है? आई लव इट। कभी काम के बीच में तो नहीं आई? हमेशा ये हमेशा ये हेल्प करती है भाई। कभी नाक पर टैटू लगवा लें, टैटू बनवा लें नाक पे, आ गए हैं यार, लोगों को आधे घंटे पहले पता चल जाए भाई, वो वैसे ही पता चल जाता है। मुझे असफर ने पहली मुलाकात में 2-3 लोग थे जिन्होंने सेट कर दिया, बेटा तू कैरेक्टर एक्टर है और वही कर, तेरी शक्लों जैसे लोग पाकिस्तान में हीरो नहीं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी बन गए ना यार, और बाखुदा शाहिद साहब थे ना एक्टर, कमो बेश यहाँ तक तो आपसे ही मिलते थे वो।
सर चक्कर ये है कि आप क्या? मैं अक्सर कहता हूँ लोगों को कि आप हर चीज से लड़ सकते हो, लेकिन दो तीन चीजें ऐसी हैं जिनसे आप नहीं लड़ सकते, जहालत, गुमान और सोच। वाह भाई, एक एक हम एक जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ पे एक चपड़ासी जिसका रंग काला है, या क्या कहते हैं जो जमादार है, जो साफ करने वाला है, जिसके मुंह पे मिट्टी है, वो उसको पता चल जाता है कि बम है, और उसको पुलिस को बुला के वो बम को डिफ्यूज कर देता है, तो हीरो वो है। तो उसमें फिल्म बना भाई। हाँ। अब तूने जो बम धमाका करने वाला भी है, जिसकी शक्ल झाड़ू वाले भी है, उसमें भी तू क्या कहते हैं फवाद खान को डाल या अली जफर को लेगा, तो मेरे भाई ऐसा तो नहीं होता यार। ऐसा नहीं होता, किरदारों के हिसाब से चीजों की को डिवाइड। ये अच्छा, मेरे साथ बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस है। मैंने मुझे ना ये कैरेक्टर अच्छे लगते हैं, जमादार बनना, मैकेनिक बनना, लेकिन जब भी मैं ख्वाहिश का इजहार करता हूँ लोग कहते हैं यार तेरी शक्ल ही नहीं वो वाली। नहीं नहीं है यार, क्या बात हुई। एक आदमी तो मुझे नहीं करनी थी, एक आदमी का तो मुझे भी हक है यार। तुमने हमारी नाक से खेला, हमने माइंड नहीं, आपने इतना नाक नाक किया तो मेरे मुंह से नहीं। मैंने तो बताया ना कि भाई कि आई एम कंफर्टेबल विद दैट। वेरी गुड, ऐसा ही होना चाहिए यार। आप देखो मेरा एक कंधा टेढ़ा है ये वाला, मगर मैं इसको मैंने क्या कहा, मैं यार अमिताभ बच्चन का है ये टेढ़ा। यार मेरी नेकियां इतनी हो गई हैं, इतना बोझ, इतने रजिस्टर हो गए इस फरिश्ते के पास मेरा। नहीं नहीं नहीं, ये नेकियों वाला की चक्कर नहीं है, ये कोई और नहीं। यहाँ से मेरे दोस्त में हाथ रखे, झुकनी है, झुकावट है, झुकावट। दो बार एसएस भी दिए ना, बताया तो है इतना। फिर तो इतना कंधे का झुकना बनता है। अरे वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। मैं जब अंदर गया ना, जब मैंने बोला दो ब्रायलर ऐसे पकड़ लेते हैं भरे हुए कमरे से यूं करके, आपने देखा होगा मुर्गी को पिंजरे से निकालो पक 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 करती रहती है, जैसे ही उस पर डालो चुप हो जाती है। तो मुझे वो पक पक, मैं पक पक कर रहा था अंदर बैठा, उन्होंने पक 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 पकड़ा, अंदर लेके चुप हो गया। नहीं वो ऐसे ही होता है। हाँ, अंदर लेके चुप हो गया। अब डॉक्टर साहब थे बैठे, उनके साथ उनका एक छोटा, तो उन्होंने कहा हाँ बेटा ये उतारिए, उतारी, झुकिए, झुके, खांसिए, खांसी, कहने का ठीक है आ जाए बैठ जाए। अब हम वैसे ही थे, हमने तो कुछ पहना ही नहीं, बैठ गए। अब वो मुझसे इंटरव्यू कर रहे हैं, बेटा आप भी क्या करें। अरे इतने भराना सवाल। और इसलिए मैं बैठा हूँ यूं करके कैंची बना के टांगों की, कुछ तो पढ़ता रहे। कहने लगे अबू क्या करते हैं, मैंने कहा गाड़ियों की कंपनी में मेरा अब्बा काम करते। कहने लगे अरे वाह भाई वाह, अपने छोटे से, देखो ये देखो ये देखो अबू इनके वहाँ काम। बेटा मेरी गाड़ी की बुकिंग हुई है 6 महीने की, उन्होंने तारीख दे दी है, आप जरा अबू से कह के जल्दी निकलवा लें। अब एक बरहाना बैठा हुआ आदमी, उनको पसंद दीजिए, मैं वो तो क्लियर हो गया, मैं इंटर में फेल हो गया, तो मैं उसमें नहीं हो पाया आर्मी में। अगले साल में जब इंटर में पास हुआ, मैंने दोबारा टेस्ट दिया, मैं दोबारा उस कमरे में ब्रायलर मुर्गी बन के पहुंचा। वही साहबान थे, इस बार वही डॉक्टर थे। एक साल में कहाँ रिटायर होते हैं, एक्सटेंशन मिल गई उन्हें। तो मैं उन्होंने मुझसे कहा बेटा, मैंने कहा मुझे पता है, मैं झुका, मैं खासा। कहने लगे अब्बू क्या करते, मैंने कहा रिटायर। ठीक है, तो आपका तो कोई ऐसा किस्सा नहीं है ना, आपका आपका तो किसी ने नहीं पूछा अब्बू क्या करते। नहीं नहीं, हम अब्बू तक वो आए नहीं। क्यों भाई, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आपका, मुझे ऐसा लगता है कि आपसे कंपेयर नहीं कर सकता मैं अभी किसी आर्टिस्ट को, मैं दिमाग में नहीं आ रहा, मगर आपको कोई लगता है कंपटीशन है आपका? नहीं यार, मुझे तो लगता है रिमोट कंट्रोल से कंपटीशन है। अब तो लगता है एक मोबाइल में इतने लोग होते हैं, और जब आप परफॉर्मेंसेस देखते हैं, अब तो लगता है मुझे जिसने वो की थी यार जोकर, क्योंकि अब दुनिया का एक्सपोजर, दुनिया एक मोबाइल में आ गई। अब कोई एक बंदा इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वहां पे मेरा भी सुनो चंदा लगा। अगर मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, या उस लेवल की नहीं है, या मेरे परफॉर्मेंस में कोई दम नहीं है, तो लोग मुझे क्यों देखेंगे भाई? सच्ची बात है, वो तो उसी को देखेंगे। अच्छा, तो आप सीधा हॉलीवुड ही पहुंच गए अपने कंपटीशन को सोच के। एब्सोल्युटली यार, वेरी गुड, वेरी गुड सोच, बिल्कुल मेरा तो नहीं है। आपने क्या मतलब, कहते हैं ना चौड़े में आना, बिल्कुल ऊपर से आना, मतलब नहीं नहीं बिल्कुल ऐसे ही, वेरी गुड। देख लो बासित, मतलब ऐसे मतलब इतने भारी होना किसी के नहीं भाई। परवाज तो फिर आप, अगर आपने परवाज ही करनी है, तो फिर आप अपनी उड़ान तो ऊंची रखे ना, तो जितना आप गोल हाई रखेंगे, उतना उसको पाने में आप किसी बेहतर जगह पर पहुंचेंगे। हमारे एक दोस्त हैं स्टैंड अप कॉमेडियन, अली अब्दुल्ला नाम है उनका, भी एक बेटा है कि पहले ना मीडिया वाले फ्री में पिलाते, फिर चुकी चुकी पैसे लेके पिलाना शुरू कर देते। उनकी अम्मी उनसे कहा करती थी जब वो कॉमेडी में आ रहे थे, तो ऐसा ही होता है, पहले फ्री में पिलाते हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, नहीं पीते, कहाँ पीते मीडिया वाले भाई, मैं तो सिर्फ आबे जमजम ही पीते देखा है। चाय पीते हैं, कॉफी, चाय पी लिया, दिमाग पी लिया यार ज्यादा से ज्यादा। मतलब मैंने तो नहीं देखा, मैंने कहा है ये लड़के गंदे कैरेक्टर वाले, ऐसे ऐसे हम तो ये ख्वाहिश लेकर है कोई मिलेगा भाई ऐसा कैरेक्टर, शरीफ और बड़े के कहते हैं अच्छे, क्या कहते हैं इन चीजों से तो कोई लेना देना नहीं। अजीब सा सवाल है, कभी कोई लड़की पसंद आई हो और दिल की बात आपने उससे की हो,
कि भाई मुझे तुम पसंद आ गई, और उसने अपने मतलब ऐसा क्या होता है ना कराची में कि वो लड़कियां जो है, जैसे आप बाहर मुल्क जाएं लड़कियां होती हैं, आप उनको कहें यार आप बड़ी खूबसूरत लग रही हैं, तो वो खुश हो जाती हैं, वो आपको थैंक यू कहती हैं कि यार आपने मेरी तारीफ की। पाकिस्तान में अगर आप किसी को कहें यार आप बड़ी प्यारी लग रही हैं, घर से यही सुनने के लिए आती हैं। हाँ अच्छा चक्कर क्या है, यही डाइकोटमी है, सुनने के लिए सुनना यही चाहती हैं। अगर वो कह देना तो तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है, 1910 से यही चल रहा है, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है। वो मेरा ख्याल है कि अभी सोसाइटी उस नहज पे आई नहीं कि जब वो इतनी उनको इंडिपेंडेंस मिली हो, उनको इतनी बम्बार्डमेंट की जाती है, इतनी बम्बार्डमेंट की जाती है, कोई लड़का तुमसे ये बात कह ही नहीं सकता, ये गुनाह है। तो टीपो भाई मतलब ऐसा हुआ कभी किसी ने आपको ऐसा गए हुआ अटेम्प्ट मारा हो और वहां पे एकदम शॉकर लगा हो आपको? सर बिल्कुल आता हो, बीवी पसंद नहीं है, एक बीवी पसंद आ गई, एक बीवी बीवी ये क्या जुमला हुआ कि बीवी पसंद आई है, बीवी 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 एक बीवी पसंद आई, बिलावल भुट्टो एक खातून पसंद आई, बोले ना मतलब बीवी एक कुड़ी चंगी लगी, कुड़ी असी ओ थिएटर गए, बच्ची बोले बच्ची पसंद आई हमें, हमने एक कबाब रोल पकड़ा, बल्कि दो पकड़ लिए माशाल्लाह, और माशाल्लाह जोर में रहते हैं खुदा की कसम ऐसे ही लग रहा था डिफेंस में जा रहे हैं, और हरकतें जोहर से भी सही है, जोहर की है, ठीक है जोहर से भी जोहर की, वाह वाह क्या कहने में, वाह ये अच्छा। सेल्फ प्रेज देखो बेटा बासित, सेल्फ प्रेज अपना बोल। अब जेब में पैसे कम है, हमने कहा यार हमने खाना तो पकड़ लिया, साथ में कुछ मीठा भी हो जाए भाई, तो हमने कहा आधा किलो दशहरी आम दे देना, वाह हम बड़े तैयार शियार के वहां पहुंचे गए भाई ये लाए, हमने उनकी खिदमत में पेश किया, उन्होंने कहा समीना आ गया कमीना, नहीं समीना अब मैं उनको देख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ वो कहेंगी इनको ना गर्म करके प्लेटों में लाओ और कहा अब समीना के बाद इतना मैं समीना के बाद सुनने को बेताब हूँ, एक बात है कि ले आओ समीना ये तुम खा लो समीना उनके घर काम करती है। हाँ जी अब मैं समीना को देखा और उनको देखा, मैंने कहा बेटा ये काफी है, निकल ले बाबू निकल ले। अरे तो अब समीना भाभी कैसी? समीना माशाल्लाह चार बच्चों की माँ है, एक बच्चा उसका अभी अभी ISS भी देने गया। ये दशहरी आम खिलाएंगे तो चार बच्चों की माँ ही बनेंगी वो। आप वैसे तो मुझे सुपर मैन ही लगते हैं, इतने कैरेक्टर्स आपने किए, मगर अगर आपको कोई कहा आवाज आए यार तुम्हें कोई सुपर पावर चाहिए तो आप क्या लेंगे? आई बिलीव आई कैन फ्लाई, उड़ना चाहते हैं? उड़ना चाहता हूं। सिविल एविएशन अगर आपको पकड़ ले कहां जा रहे बेटा? भाई अगर उड़ना उड़ने वाला होगा तो पकड़ा ही नहीं जाऊंगा, ऐसे कोने खुदरों से गुजर के अपनी पसंद की जगह से। भाई जान पहले एक बंदा इंडिया से भी आया था ये सोच करके उड़ता हुआ जाऊंगा, पकड़ा नहीं जाऊंगा। सही हाउस द टी? फैंटास्टिक, वेरी इस बार लग रहा है बिहार वाला पायलट भेजा ऐसा लग रहा है इंडिया ने, बिहार फैंटास्टिक टी। अच्छा आपके तो आपका माशाल्लाह करियर आप 30 साल का तो हो गया होगा, 23 साल से आप ये काम कर रहे हैं 23 साल से, तो कोई तो ऐसा सीन हुआ होगा सेट के ऊपर कि आप सब हंसते हंसते गिर गए होंगे, कोई एक सीन हुआ तो एक ही सीन सुना देना, इतना टाइम ही नहीं। अदाकारी का शौक और ना मसाले दे रहा हूँ मार्लन ब्रांडो की, रॉबर्ट डिनेरो की, और उसकी अब उस सीन में थप्पड़ खाने, और वो भी माशाल्लाह मेरी बहन जो है निदा यासिर उनका हाथ अच्छा खासा है, बहुत बड़ा बहुत बड़ा उनका बहुत चीजों में हाथ है। उस मेरी बहन ने मुझे कोई 21 थप्पड़ मारे हैं सबसेट की किस्त नंबर 2 में, 21 थप्पड़ निदा यासिर ने आपको, और मैं एक पॉइंट पे यूं हो गई और मैंने उसी वक्त सोच लिया कि मैंने अदा उसके मॉर्निंग शो में जाके शादी नहीं वो भी अपनी बेगम के साथ की। यार ये बहुत गलत करती हैं वो, ये क्या बात है अपनी बेगम की शादी कराई जा रही है तो और किसके साथ करेंगे पागल। अरे नहीं ना वो फौरन ही अपनी बेगम की शादी कर, फिर अपनी पुरानी बेगम में नई दुल्हन जैसे लग रहे हैं, घर भी जाने लगा शादी हुई है हमारी। अबे भाई अरे आज किसी और घर चले जाएंगे, नहीं भाई अपने घर जाते रहेंगे। अबे नहीं वो कभी ना यासिर नवाज के साथ क्या करती होंगी, 21 थप्पड़ों से तो नहीं संभलते होंगे। नहीं नहीं वो यासिर नवाज तो दिख रहे हैं उनके मियां मोहब्बत करने वाले हैं, तो वो तो उनके साथ यार मोहब्बत ही करती होंगी जैसे अच्छी बीवी अपने अच्छे हमारे साथ कैरेक्टर प्ले कर रही थी, उनके साथ भी कुछ ना कुछ प्ले करती होंगी ऐसे ही, कुछ फारिग थोड़ी बैठे रहते होंगे।
अब वो वक्त आ चुका है कि जब अपना दो तीन आपसे चीजें पूछना चाहते हैं। बिल्कुल। एक तो वो पांच कैरेक्टर्स जो आपने हजारों सौ कैरेक्टर सैकड़ों कैरेक्टर्स किए हैं, पांच कैरेक्टर ऐसे जो आज तक आपके दिमाग में रह गए, एक एक करके चलेंगे और फिर उस कैरेक्टर के ऊपर सिचुएशन लेंगे ऑडियंस। पिंटू सबसेट है। सही है। खुदा मेरा भी है उसमें आप ट्रांसजेंडर बने। ट्रांसजेंडर बने। भाई किधर जा रही है सीना? बस वो काम खत्म हो गया था तो अब क्या काम खत्म हो गया तेरा? मुझे तो नहीं लग रहा तेरा काम काम तो फिर मैंने खत्म करना है तेरा। वो तो आप कर लेंगे काम खत्म। और खत्म मैं शुरू तो करूं साहब खत्म भी कर देंगे तो। चले फिर मेरी नजरें जब से सीट पे ही लगी हैं हो जाए फिर जल्दी में टाइम दिया जल्दी क्या दूध रख के आइए चूल्हे पे। वो अम्मी को अस्पताल में लेके जाना। किसकी? अपनी। अम्मी भी आपके जैसी है? नहीं अम्मी तो ठीक है। तू गलत है। मैं जरा थोड़ा सा बींगा हूँ। थोड़ा सा बींगा? कन्नी खाता हूँ। कन्नी खाते है तू? थोड़ा सा लहरा के चलता हूँ ना तो कन्नी खाता। ओ यार अच्छा तू बुरा नहीं है वैसे। थैंक यू साहब जी। हो जाए जान दे। चल अभी जा। थैंक यू। साहब जी की वाइफ का फोन आया ना तो आज उधर है उनकी। एक और कैरेक्टर करेंगे। अरे मैं पुलिस वाला नहीं बनूंगा पता नहीं मेरी बख्शिश होना। अभी हम तुमको गजरारे का जालिम पठान बनेगा। गजरारे का जालिम पठान? मैं क्या बनूंगा? मैं वही तो पुलिस वाला बनेगा और मुझे काटेगा। अच्छा अच्छा वही पुलिस सिचुएशन वही है बाबू। यार ये तो फंसाने वाली बात। ठीक है। हाँ भाई किधर थे तुम? वो पोछे का बच्चा तुम्हारा बाप मैं इतना हिम्मत नहीं है जल्दी मैं क्या पूछता तुम मस्जिद किधर? क्या तुम्हारा किधर क्या पूछता कौन सा मैं क्या बोलते तुम? मैं पुलिस। तुम्हारे बाप का बोल क्या ये? नहीं इमरान खान। वो हमारा भाई है खान है। तुम क्या है दालखोर? बैठो इधर। ओके भाई अब मैंने देखें अब हर शो का ना एंड ऐसा होता है कि बस हाई एंड हंस रहे हैं कह के लगा गिर रहे हैं गेस्ट गिरे मरे पड़े। हम आपके साथ ऐसा नहीं करूंगा मैं क्योंकि आप वर्स्ट स्टाइल एक्टर हैं। आपने कॉमेडी से स्टार्ट किया और हर सीरियस एक्टिंग पे खत्म तो नहीं किया मतलब पीक पे पहुंचे। शायरी से आपको बहुत ताल्लुक बिल्कुल सुनते भी हैं शायद करते भी हैं थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की करते हैं हल्की फुल्की लाइट लाइट लेकिन आपको बुल्ले शाह बहुत पसंद मुझे ही बहुत पसंद सर बहुत कुछ बुल्ले शाह आता हो जाए। चढ़दे सूरज टलदे वेखे चढ़दे सूरज टलदे वेखे जलदे दीवे बुझदे वेखे हीरे दा हीरा होंदा ना हीरा हीरे दा कोई मुल ना पावे हीरे दा कोई मोल ना पावे मुल ना पावे खोटे सिक्के चलदे वेखे वाह पत्थर कदी गुलाब नहीं होंदे पत्थर कदी गुलाब नहीं होंदे कागज दे वरके कदी किताब नहीं होंदे वाह जे बुलिया ला लिये यारियां जे बुलिया ला लिये यारियां ते फिर यारां नाल हिसाब किताब नहीं होंदे। वाह 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 यार इसी बात पे यार टीकू भाई मुझे 15,000 उधार दे दे। अबे चेक तो मिल लेने दे भाई ले ले तू ले ले पप्पी करना चाहता हूँ मैं करूंगा नहीं भाई आपने मुझे एक इसी स्टूडियो में एक बार मैं स्टैंड अप कर रहा था आप बिल्कुल सामने बैठे थे मेरे मुंह के सामने और मैंने जोक मारा आप उठे और आए अब और तुम अपनी बारी लोगे क्या मैं करूंगा मैं एक पप्पी इधर करूंगा एक पप्पी उधर करूंगा आज पप्पी कर लेता हूँ। टीकू भाई बहुत शुक्रिया बहुत थैंक यू आप आए You have a bright future, inshallah ta'ala. हाँ एक दूसरे कर लेते तारीफ। हाँ लेकिन ये दुआ है on record. तुम इंशाल्लाह पाकिस्तान के next मोइन अख्तर बनोगे। अरे भाई, thank you. ये मेरी तुम्हें दुआ है। बहुत बढ़िया। Thank you, sir. Thank you.